साथियों, जब वास्तु की बात हमारे माइंड में आती है, हमने घर बनाना है, मकान बना रहे हैं, दुकान फैक्ट्री शोरूम बना रहे हैं, तो क्या होता है, सोचते हैं क्या बनाए घर में, किचन कहाँ बन जाए, हमारा पूजा स्थान कहाँ बन जाए, बेडरूम कहाँ बन जाए, बस हो गया वास्तु। लेकिन आपको पता है कि सीढ़ियाँ जो हैं आपके घर का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं? वास्तु में सीढ़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है। और अगर आपके घर की सीढ़ियाँ गलत बन गई तो कहते हैं कि गलत दिशा की सीढ़ियाँ भोगती हैं पीढ़ियाँ, यानी इसका ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज का वीडियो इसी पर फोकस करेगा, चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, मेरे इस कार्यक्रम में, जिसमें मैं बात करता हूं वास्तु की उन पहलुओं की जिनको आप ढूंढते हैं बहुत शिद्दत से। आइए आज मैं आपको बताने वाला हूं सीढ़ियों के बारे में। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही मकान बनाना शुरू करते हैं आप, या मकान के बारे में सोचते हैं, तभी आप इधर उधर से कहीं किताब उठाते हैं, कहीं नेट खोलते हैं, कहीं यूट्यूब खोला, और खोलने के बाद में जब बनाते हैं नक्शा, तो नक्शा बीच में अटक के रह जाता है, फंस जाता बीच में, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक ने बोला इधर बना दो, एक ने बोला यहाँ बना दो, और ज़्यादातर ने 90% ने कहा यहाँ नहीं बनाना, यहाँ नहीं बनाना, यहाँ नहीं बनाना, यहाँ नहीं बनाना। कहाँ बनाना फिर, जब बनाना ही नहीं, सीढ़ी बनाना ही नहीं, तो कहाँ बनाएंगे आप, ये सोचिए जरा सा। अब क्या होता है, मुझे एक बात याद आ गई कि फंस गए आप। एक कहावत होती है कि लंगर में गए तो खाना ख़त्म, बाहर निकले तो जूते गायब, लटक गए, ना उधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, तो आप लटकने वाले की श्रेणी में नहीं हैं, आप उनसे बहुत आगे हैं, बहुत एडवांस हैं, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके माइंड में। आज मैं बात करने वाला हूँ सीढ़ी के बारे में। अब देखिए, सीढ़ी का रगड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि रगड़ देती है ये भी, जब आपको आइडिया ना मिले और भटकाने वाले मिल जाएं 50। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान करिए कि सीढ़ियाँ बहुत तरह की होती हैं। एक होती है बाहर की सीढ़ी, एक होती है घर के अंदर की सीढ़ी। बाहर की सीढ़ी जो बाहर बाहर चली जाती है, बिल्कुल वास्तुशास्त्र के वही नियम जो अंदर की सीढ़ी के लिए अप्लाई होते हैं, बिल्कुल वही नियम सीढ़ी जो बाहर बनाई जाती है उसके ऊपर भी बिल्कुल ट्रू कॉपी, यानी सेम टू सेम वही रूल लागू होते हैं। इसमें बिल्कुल भी जरा सा भी संदेह मत करना। इसके अलावा अंदर की सीढ़ी, घर के अंदर की सीढ़ी होती है, मैंने उसके बारे में बहुत बार आपको बताया है कि उसमें पदों की संख्या कैसे बनेगी, 15, 17, 19, जो कि डिवाइड ना हो दो से, जिसे ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं हिंदी में, वो आपने ध्यान करना है। और उसकी दिशा हमने आपको बताई थी, पश्चिम में हो या दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ अच्छी रहती हैं। इसमें भी आपने ये बात ध्यान देनी है कि सीढ़ियाँ कभी भी अंधेरे कोने के अंदर नहीं होनी चाहिए, अगर वहाँ पर अंधेरा रहता तो सीढ़ियाँ भी नेगेटिव हो जाया करती हैं। अब देखिए, आगे लेके चलता हूं मैं आपको उस पहलू की तरफ जिसके बारे में मैंने आज आपको बताना था। आप क्या कर रहे हैं, आप मकान बनाने वाले, फंसे कहां पर, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि मेरे पास आते रहते हैं आपके कमेंट्स, और कमेंट से पता चल जाता है कहां फंस गए आप। ईस्ट फेसिंग किसी ने मकान बनाना है, प्लॉट बनाना है, भवन बनाना है, अब उसके सामने समस्या क्या, नेट खोलकर बैठा तो उसको किसी ने बताया कि ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल सही पढ़ा, बिल्कुल सही सोचा। फिर दूसरे में देखा कि हाँ, ईस्ट में, पूरब में भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर भी ईस्ट भी गया पूरा का पूरा। इसके अलावा किसी और ने ये भी कह दिया कि साउथ ईस्ट में, यानी दक्षिण पूरब के आग्नेय कोण में भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, वहाँ भी नहीं होनी चाहिए। अब गया गड्ढे में, गया वो जो मैंने कहा था ना रगड़ा, ये रगड़ा शुरू हो गया। क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनानी, उत्तर पूर्व में नहीं बनानी, पूर्व के मध्य में नहीं बनानी, दक्षिण पूर्व में नहीं बनानी, तो फिर सीढ़ी कहाँ लेके जाओगे भाई, बिना सीढ़ी के कैसे बना लोगे मकान। आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने ऊपर का किराया जो है किराए पर देना, ऊपर का पोर्शन अपनी फैमिली के लिए यूज़ करना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, अपना फ्लोर बना रहे हैं या अपना फ्लैट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आपके लिए सीढ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने एग्जाम्पल आज का लिया है, ये एग्जाम्पल आज आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी मदद करने वाला है, अगर आप अपना ईस्ट फेसिंग मकान बना रहे हैं, पूर्व मुखी मकान बना रहे हैं। क्योंकि तीन रुकावटें आपके सामने आई, ना तो उत्तर पूर्व में आपने बनाना है, यानी ना तो उत्तर पूर्व में सीढ़ी बनेगी, ना पूर्व के मध्य में बनेगी, ना यहाँ बनेगी साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में बनेगी, कहाँ बनेगी बताता हूँ मैं आपको। आपने इस केस में बिल्कुल ध्यान करना है, ईशान कोण में सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं बनानी। ईशान कोण की जो सीढ़ी होती है वो आमतौर पर नुकसान करती है, बिल्कुल ईशान कोण में सीढ़ी नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, पूर्व में नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, कहीं भी नहीं बनेगी, गया गड्ढे में, रगड़ा हो गया। लेकिन क्या ध्यान करना, यहाँ पर सीढ़ी क्यों नहीं बन रही मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कारण जान लेंगे तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जो पूरब दिशा होती है ना उसको हमेशा हल्का रखते हैं हम, उसमें ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए,
ऊर्जा वहाँ पर कहीं फंसने नहीं चाहिए, इसलिए हम पूरब दिशा में कभी भी, क्योंकि पूरब दिशा से अच्छी ऊर्जा आती है, सनलाइट आती है वहाँ से, अच्छी हवा आती है, कूल एयर वहाँ से आती है, लाइट आती है वहाँ से, बहुत कुछ चीज़ें आती है जिसको कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, इसलिए वहाँ पर कभी भी सीढ़ी नहीं बनाते हैं। वेरी सिंपल, अब उससे बचना है, आपने घर बनाना है। अब आप कहाँ बनाएंगे, देखिए आपने साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में सीढ़ी बनानी है। कैसे बनानी है, ध्यान करना, एक तीर से किलिंग मैनी बर्ड्स विद वन एरो, एक तीर से बहुत सारे निशाने मारेंगे हम। आपका मकान बना रहे हैं पूरब मुखी, देखिए इसमें क्या करेंगे कि जो सीढ़ियां आपकी बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, ये देखिए ये स्टेप बना रहा हूं मैं, ये स्टेप बन रहे हैं, और ये क्या होगा कि जो पहला स्टेप आपका होगा, ये पहला स्टेप या तो इसको यहां से कर दिया तो फर्स्ट स्टेप आप ऐसे लेंगे, ये बड़ी चौकी होगी, उसके बाद छोटे स्टेप बन जाएंगे जितने बनाने हैं, तो ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इस तरह से होते हुए ऐसे जाएगा ऊपर। अब इस केस में क्या हुआ, जो सीढ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा वजन आपने क्या किया, साउथ में किया, यानी दक्षिण दिशा के अंदर आपने पूरा वजन डाल दिया, जो सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया तो आपने उत्तर से दक्षिण की तरफ चढ़े, देखिए फर्स्ट स्टेप आपका इधर गया, क्लॉकवाइज घूमे, और घूमने के बाद में आप ऊपर अपने घर में जहाँ पर आपको निकलना था, चाहे छज्जे पर आ सकते हैं या घर में आप एंटर कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। दूसरी बात, इस केस में क्या हुआ कि आपका जो पूरब था ये बिल्कुल फ्री हो गया, उत्तर पर ज़्यादा लोड नहीं आया, कोशिश करना कि अगर ये उत्तर की दीवार से भी हल्का कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी इसका अर्थ यह है कि अगर आपका जो है घर पूरा, अगर आप बनाते हैं इसको बीम के ऊपर, अगर यहाँ पर एक बीम क्रिएट कर देते हैं, ये पूरा का पूरा बीम बना देते हैं, तो आपकी सीढ़ी जो है, इसका सीढ़ी का वजन पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा, पश्चिम दिशा में। सीढ़ी आपकी बनी, पूरब मुखी भवन बहुत बढ़िया बनाया आपने, दक्षिण पूरब में आपने जो है सीढ़ी बनाई और स्टार्ट किया पूरब से, संख्या जैसे मैंने आपको बताया था, संख्या इनकी वही रहेगी, और नंबर रहेगा 17, 19, 21, ये रहेगा और नंबर, 23 भी कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान कर लेना, इसमें इंद्र यम राज का हिसाब नहीं होता, फिर से बता रहा हूँ, इंद्र यम राज का हिसाब नहीं होता। सबसे बढ़िया जो स्टेप होते हैं वो होते हैं 11, 17, 23, 29, ये सबसे अच्छे स्टेप माने जाते हैं, ये वो स्टेप होते हैं कि ये ऑड नंबर भी हैं, विषम संख्या भी है, और साथ में अगर इनको आप 3 से डिवाइड करते हैं तो शेष 2 बचता है, जैसे 3 7 21 बाकी बचा 2, 3 5 15 बाकी बचा 2, यानी 3 से डिवाइड करने पर जब 2 बच जाते हैं, ये सबसे अच्छे स्टेप माने जाते हैं। इंद्र यमराज का हिसाब नहीं होता, ऑड नंबर हमेशा आपको फॉलो करना होता है, और ऐसा करके बनाएंगे तो बड़ा सुंदर बनेगा, बहुत अच्छा भवन बनेगा, एक भी कमी आपके घर में वास्तु की नहीं रहेगी। और दूसरी बात, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और आपने मुझे मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, तो आप जो है और भी फायदा उठा सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, मैं समझ जाता हूं, जिसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ मेरे चैनल को, उनका रिप्लाई करता हूं, उसी एग्जांपल को अपने बोर्ड पर लेता हूं। आज का भी एग्जांपल किसी का लिया हुआ है मैंने, जिसने मुझसे पूछा था सर पूरब मुखी भवन के बारे में, मैं तो फंस गया हूं, मैंने 30-40 वास्तु वालों की वीडियो देख ली, ना ही देखता तो अच्छा था। तो हमने उनको बताया नहीं, एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूं स्पेशल, उसको देख लेना आज, और उसके बाद आपका मकान वास्तु से बन जाएगा, मिलेगा आपको सुख। साथियों ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, अच्छा लगा आपको तो लाइक बनता है, मुझे पता है आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर देना, और दूसरी बात शेयर करना इसको सोशल मीडिया पर, लोगों में शेयर करना अपने नॉलेज को, बताना कि इस तरह का वीडियो भारद्वाज जी का आया है, जिसने हमारी समस्या को हल कर दिया। ये आपकी समस्या नहीं है, ये करोड़ों लोगों की समस्या, उन सबकी समस्या का समाधान है जिनका मकान पूरब मुखी है या प्लॉट पूरब मुखी है और वो बनाना चाह रहे हैं और सारे के सारे प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दिया मुझे विदा, नमस्कार। साथियों आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, कितना आसान तरीका है, देखिए मेरे हर वीडियो के इस कोने पर आपको दिखाई देगा एक रेड कलर का बटन, उसको आपने क्लिक किया, करते ही जो मेरा वीडियो आ गया उसके ऊपर देखिए एक ब्लैक कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब, ये इधर भी हो सकता है और वीडियो के नीचे हो सकता है, आपने जैसे ही इसके ऊपर आपने क्लिक किया, हो गया, कितना आसान था, आज कर लो, अभी कर लो।